अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए। आज नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करें, आज नहीं बोलूँगा लाइक करें, आपकी मर्ज़ी है, बस वीडियो को पूरा देखना है। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। यूट्यूब में मैं आए दिन देखता हूँ, फिर नीचे कमेंट देखता हूँ, मैं बड़ा इन चीज़ों को ना गौर से देखता हूँ। कुछ ब्रामा वगैरह के पीछे चेक्स नज़र आ रहे होंगे, स्प्राइट भी बीच में आएगा, बाइक में लेकन वेल्टर भी आएगा, तो उस पर आपने बस वीडियो लगाई थी, कुछ बताना चाह रहा था मैं। कुछ लोग यूट्यूबर जो है ना वो बताते हैं, लिखा होता है जी 2 लाख लगाएं लाख कमाएं, वहाँ ना लाखों रुपए कमाएं, हज़ारों कमाएं, वो सरासर वो उन्होंने पेड प्रमोशन करनी है, अपनी वीडियो को ट्रेंड पे लाना है। और जो ट्रेंड पे लाने की ला रहे हैं इम्पोर्टर, इम्पोर्टर जो भी है ना, पहले एक दो इम्पोर्ट हुआ इम्पोर्टर से, अभी सारे इम्पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है। जो एक बात गौर से सुनिएगा, जो इम्पोर्ट करवा रहा है ना वो ब्रीड नहीं करवा रहा। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो उनके पास जब सेल नहीं हो रहे होते तो वो उन्होंने ब्रीड करवानी होती है। वैसे कोई भी इम्पोर्टर जो है ना, एक दो बर्ड्स के अलावा ज़्यादा ब्रीड्स पे नहीं काम कर रहा, ठीक है, क्योंकि उन ये ब्रीड में इतना फ़ायदा है ही नहीं। ये जो लोगों को दिखाया जा रहा है ना, सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। ये ठीक है ना, दूर से पहाड़ अच्छे लगते हैं, पास जाओ तो कोयले के हैं। जो भी ब्रीड करवा रहा था, जो भी ब्रीडर था, खुद सोच खुद देखिएगा जाके, जो भी ब्रीड करवा रहा था वो अभी इम्पोर्ट करवा रहा है। सारे ऐसा कर रहे हैं, सारे इम्पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट में फ़ायदा है। ये अगर महीने में 30 दिन में 15 दिन अंडे देती है, तो पाँच अंडे तो फर्टाइल नहीं होते, उनमें से 7 बच्चे निकलते हैं, 7 बच्चों में से 2 तो मर जाते हैं, 5 अच्छे पलते हैं, ए प्लस बच्चे। तो लोगों को बस सिर्फ वही चीज़ें दिखाए दोहराई जा रही हैं कि लाखों कमाए लाखों कमाए। ये ट्रेंड पे लाने की कोशिश होती है इनकी, ये ट्रेंड पे एक ही वीडियो, एक ही ब्रीड पे क्यों बार बार उसकी वीडियो बनाई जाती है। जैसे कि पहले वीडियो बनाई जा रही थी शामू की, शामू को ट्रेंड पे ला 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 के शामू, इनका आखिर मुस्तकबिल क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। शामू के बाद इन्होंने ब्रीड पे लाया, दूसरे पे लाया याम समानी पे, ये इन्होंने एस्ट्रोलोप के कितना ट्रेंड पे लाया, इन्होंने वो दूसरा आर आई आर उसको कितना ट्रेंड पे लाया। आज वो भूसे के भाव बिक रहे हैं, हमारे देसी के लेवल के आ चुके हैं उसके। अब हेरिटेज पे आ गए, हेरिटेज पे आ गए जी, वो पहले दूसरे थे, अभी हेरिटेज पे, पहले फुद्दू बनाया हुआ था हमारा, ठीक है। मैं खुद यूट्यूबर था, मेरे 33,000 सब्सक्राइबर थे, चैनल डिलीट हो गया, बहुत से लोगों के चैनल डिलीट हुए, मैं कुछ वायद नहीं था उसमें से, ठीक है। उसके बाद लाया गया, पहले एस्ट्रोलोप आर आई आर थे, उसके बाद आ गया जी ये आर आई आर का बाप, इन लोगों ने ट्रेंडिंग पे लिखा हुआ था, एस्ट्रोलोप का बाप आ गया ब्रीड, कौन सी ब्रीड थी वो मुझे नाम भी उसका भूल गया, सुसेक्स के बाद अभी ब्लू अंडे वाले आ गया, अभी फिर शामू आ गया, फिर शामू से निकल के आ गए जी अयाम समानी, इसका काला गोश्त है, काला गोश्त बिकता है, फलाना मुझसे ले रहा है, फलाना मुझसे ले रहा है, चीखे मार मार के 25,000 का पीस दे रहे हैं जो लाख रुपए का पीस है। पर ये इतना ही अच्छा था, ये इतना ही अच्छा बिकता था, क्यों लोगों को चीख चीख के उठ जाके बेच रहे हो? इनके पास बिक नहीं रहे तभी तो वीडियो बनवा रहे हैं, क्यों इनके पास पड़े हुए हैं? अगर इनके पास एडवांस बुकिंग है तो घर में इनके पास क्यों पड़े हुए हैं? ये सरासर फुद्दू बनाया हुआ है, अपने फार्म भरे हुए हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। कोई बात बुरी लगे तो माजरत, अल्लाह हाफिज़।